अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। ये रमज़ान की कुछ प्री प्रेपरेशन जो है वो चल रही है। जिस तरह से हमारे पास ग्रॉसरी का सामान आ रहा है उसी तरह से उसे साफ़ करके धो के काट कर पीस करके रखा जा रहा है साथ साथ में। तो अच्छा रमज़ान जो है वो मतलब कि गुजर जाएगा, बाद में ज़्यादा टाइम स्पेंड होगा हमारा फिर। तो ये अभी जो है वो ये मैं धनिया और पुदीने की चटनी जो है वो बना कर रखने लगी थी, वो चॉप कर रही थी। उसके अंदर थोड़े से लहसुन के जवे डाले। ये लहसुन जो है वो ये भी सारा जो है वो लेकर उसको अच्छे से लहसुन अदरक का पेस्ट बनाना था, वो भी अब सारा भी करना है, उसको भी छीलना बाकी है। तो ये फ़िलहाल तो इसके अंदर प्याज भी ऐड किया है, लहसुन अदरक लहसुन सिर्फ डाला है और हरी मिर्ची इसके अंदर डाल के उसको पेस्ट बनाया, मतलब हरी मिर्च की वो पुदीने की चटनी बन जाएगी। और ये जो है सब्जियाँ वगैरह सारी आई थी, इन सबको भी साथ साथ जो है वो रखना था, काट कर रखना, पीस करना। तो बच्चों को भूख लगी थी, आलू वगैरह बॉईल किए, तो आलू बॉईल किए थे हमने, दही भले बनाने थे शाम को। तो ये फिर उन्हीं में से आलू निकाल के बच्चों को दिए थे, बच्चों ने जो है वो मज़े से खाए, ये उनको नमक डाल के दे दिया था स्प्रिंकल करके ना, वो खाए थे। यहाँ जो है वो मैं हरी चटनी से जैसे निकल गया, ये जो है वो दोबारा से वापस आते किचन की तरफ। यहाँ पर जो है वो हरी मिर्चें हैं उनका पेस्ट बना रही थी, और देखिए सब्जियाँ अभी भी वहीं पर पड़ी हुई हैं, उन्हें भी उठाना है। वो अगर आज नहीं हो सका तो सुबह इंशाल्लाह हो जाएगा। ये सारा हरी मिर्च का पेस्ट जो है वो बन गया, इसको बना के फ्रीज कर दूँगी। और वो जो दूसरे डिब्बे में थे उसके अंदर जो है वो धनिया पुदीने की चटनी जो है वो ऐड करके रखी थी, वो भी डन हो गई थी। उसके अंदर हरी मिर्च प्याज और लहसुन डाल के उसको जो है वो ग्राइंड किया था, चॉप किया था। ये अब जो वैसे वापस रखेंगे जूसर को, अपने वापस अपनी जगह पे चला जाएगा। ये उठा कर सारा कुछ फ्रीज कर दिया गया है। तो अब बाकी सब्जियां जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कर लेंगे जैसे जैसे टाइम मिला। ये तो अभी शाम का टाइम था हमारा, अभी हमने खाना वगैरह भी खाना था, बनाना था और खाना था। मटर वाले चावल बनाए थे और साथ में दही भले बनाए थे सना ने, तो वो अभी जो है वो हो रहा था काम साथ साथ। अभी मटर वाले चावल निकालने लगी थी, ये बनाने मैं लगी थी दही भले, फिर वो अचानक से सना आ गई, वो बच्चों को अंदर बैठी फीड करवा रही थी, वहाँ से फारग हो के तो वो फिर आ गई। उसने जो है वो ये इस तरह से बनाई, ये इतने मज़े के बने हैं ना सना ने बनाए थे। ये हमारे यहाँ पर ना पास में ही संगीत सैनमा के पास ना, ये संगीत सैनमा के पास जो है ना वो दही भले मिलते हैं जो यहाँ के बहुत मशहूर हैं शाहदरा के। तो हम लोगों की तो जब से शादी हो गई हमें नहीं इतने ख़ास पसंद थे, लेकिन लुक जो है ना वो बिल्कुल ऐसे उनके अंदर ना थोड़ी सी खटास होती है, तो हमें भाई नहीं पसंद। हमने अक्सर कहना कि भाई हमें नहीं पसंद, हमारी अम्मी भी यहीं से बिलोंग करती हैं, लेकिन वो भी अक्सर यही कहेंगी कि मुझे वहाँ के दही भले पसंद है। तो उसे कहते चलो ठीक है मम्मा आपको पसंद होंगे लेकिन हमें नहीं पसंद। हम लोग तो जब से आए हैं हम कहते हैं हमें कहीं और से ला के खिला दो, ये नहीं हमने खाने। तो ये इस टाइम पे जो बनाए थे सना के, जिस तरह से भी उसने ट्राई किया, तो लेकिन ये है कि हमारी मर्ज़ी के बने लेकिन लुक इन्होंने एग्जैक्ट वैसी ही दी जैसे उनकी होती है। तो बस बाई चांस थे शायद बन गया वो। इसके अंदर पर भी है हरी चटनी ऐड की है जो पहले ग्राइंड करके हमने रखी थी। ये नेक्स्ट डे की जो है वो रूटीन है जिसमें जो है बच्चों के साथ ये देखें। तो ये हम लोग बने अमरूद खाने में बिज़ी हैं, उनको भी साथ में बिज़ी कर रखा है। तो ये साथ में जो हम लोग सब्जियां वगैरह सारी बना रहे थे, तो ये शहतूत जो है वो अबू लेके आए थे। शहतूत जो है वो इसकी अब हम सोच रहे थे कि इसका जैम बना लें, बनाना तो खुद ही है, मतलब इस तरह से बच्चे कम ही खाएंगे, हम लोग भी थोड़ा सा, लेकिन जो है वो जैम बना लेंगे ना तो वो बेस्ट रहेगा, वो फ्रीज भी कुछ दिन गुजर जाएंगे उसके साथ। अच्छा आइडिया था वैसे, अचानक से ही आया माइंड में, तो चले वो बेस्ट रहेगा। अब इसकी वो बना लेते हैं शहतूत की जैम, अजमी शेयर करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, इसमें तो नामुमकिन सी बात है। और इसको धो लिया था और इसके जो है वो इस तरह से इसके अंदर ना जो बारीक सी टंडी है ना ये देखे वो थोड़ी हार्ड होती है, वो अगर ग्राइंड भी करते या उसको पकाते भी तो वो गलनी नहीं थी, वो इसी तरह से मुँह में आनी थी। तो इसका बेस्ट आइडिया यही था कि इसको निकाल लिया जाए, तो वो हाथ से ही जो है वो इसको निकाला जा रहा था। तो सुना गई थी अभी आप तब तक खतीर को संभाल लो,
मैं जो है वो फटाफट ये कर लेती हूँ। दोनों अगर हाथ गंदे करने बैठ जाती तो फिर बच्चों को कौन देखता, तो इसलिए जो है वो फट से लगी हुई थी ये काम करने। मैं तब तक कोई और काम कर रही थी, किसी और सब्जी को साथ में जो खुश्क थी उस सब्जी को बना रही थी और साथ में बच्चों को देख रही थी। तो ये देखिए इस तरह से ना वो डंडियाँ सारी सेपरेट करके, तो नेक्स्ट जो है वो इसके साथ हम इसका जैम बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे अब हमारी वीडियो कंटिन्यू है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।